मैं बाबर आजम की कप्तानी की तारीफ करना चाहूंगा, जिस तरह उन्होंने अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया आज, अपने अपने स्पिन डिपार्टमेंट को लेके, अपने फास्ट बॉलिंग को, जैसे वहाब है अब मेन बॉलर है तो उनको आखिरी ओवर के लिए रखा, क्योंकि अगर अंडर प्रेशर अगर कोई भी यंगस्टर आएगा तो आखिरी ओवर में ज्यादा रन लीक कर सकता है, तो उन्होंने अपने उस बॉलर को जिसको वो उनका प्राइम बॉलर है, मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर है, उसको हर मुश्किल स्टेज दी, और उतनी ही तारीफ की जाए वहाब की भी कि उन्होंने हर मुश्किल स्टेज के अंदर बेहतर रिस्पॉन्स किया। यही आप एक्सपेक्ट करते हैं आपके सबसे बेहतरीन बॉलर से लास्ट ओवर ऑन साइड पे, लेकिन उनके सामने इफ्तिखार है जो नहीं रुक पा रहे हैं, एक और लो फुल टॉस जिसे खेल दिया है ऑन साइड पे स्क्वायर लेग बाउंड्री की जानिब 6 रन के लिए, बहुत ही शानदार शॉट, पिकअप शॉट था, एक ऐसा बॉल जो आप वहाब से एक्सपेक्ट नहीं करते कि फुल टॉस लेग स्टंप के ऊपर वहां से जो कनेक्शन किया, यस इट वाज इजी बॉल टू हिट, लेकिन फिर भी आपको हिट करने की जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए, और इफ्तिखार इन दिनों में जो भी कर रहे हैं वो गोल्ड के अंदर शिफ्ट होता जा रहा है। Absolutely. ये ऑन साइड पे बॉल था जिस हल्का सा एंगल भी किया उन्होंने, पांडे के ऊपर से 6 रन हासिल किए और 150 रन यहाँ पर ग्लेडिएटर्स ने मुकम्मल कर रही है, इफ्तिखार पहुंच गए 64 रन पर, आखिरी 5 बॉल है, बाबियास एक बार फिर बॉल हवा में, बॉल क्या पे बॉल सिक्स, बहुत ही शानदार शॉट, और यही वो चीज हमें चाहिए थी इफ्तिखार से कि फिनिशिंग टच दे, अपनी एबिलिटी हार्ड हिटिंग एबिलिटी को सामने लेके आए, और स्टेज उन्होंने अपने लिए सेट की, और अब आप देखें कि पिछले 2-3 ओवर में इफ्तिखार का जो एक्सप्रेसिवनेस है वो सामने आ रही है, बहुत ही शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं और छक्के पे छक्का मार रहे हैं, इफ्तिखार अनस्टॉपेबल हो गए हैं जिस तरीके से एक बार है, थोड़ा उनको हेल्प भी मिल रही है खराब बॉलिंग की, लो फुल टॉसेस उनको लेंथ शानदार मिल रही है जो उनके जोन में बॉल आ रहा है, और ऑन साइड पे वो बहुत स्ट्रॉन्ग है जिस तरीके से वो हिट मारते हैं, और बहुत तगड़े हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉटम हैंड का यूज करते हैं, और यहाँ पे काम आते हुए अपनी टीम के, और अपनी टीम को वो जो हमारी प्रेडिक्शन थी कि 170 पिच पे होना चाहिए वहां पे ले आए हैं, एक बार फिर वहां पे आज बॉल करेंगे इफ्तिखार को, बॉल हवा में है, लेकिन एक बार फिर एक और छक्का, तीसरा छक्का, ये हैट्रिक इसको कहते हैं, और बहुत ही बेहतरीन शॉट, और डिफरेंट रेंज है, एक जो है बिहाइंड द स्क्वायर लेग, एक इन फ्रंट ऑफ मिड विकेट, और तीसरा शॉट सामने मिड ऑफ के ऊपर, तो जितनी तारीफ की जाए उनकी शॉट रेंज की वो कम है, और ये इफ्तिखार का प्योर क्लास जो है वो हमें देखने को मिल रही है, ये जबरदस्त बैटिंग है, और ऐसी ही बैटिंग की एक्सपेक्टेशन थी, यहाँ पे क्राउड को उन्होंने बेहद यहाँ पे एंटरटेन कर रहे हैं अपनी सेटिंग से, 76 रन पर पहुंच गए, और एक टाइम पे हमें लग रहा था कि लीडर्स स्ट्रगल करेंगे, लेकिन कमबैक करवाया है इफ्तिखार ने, क्राउड को तो एंटरटेन कर रहे हैं, और वहाब को वहाब की बॉलिंग को स्पॉइल भी कर रहे हैं, इसे एंगल चेंज किया राउंड द विकेट आया, लेकिन इफ्तिखार नहीं रुक पा रहे हैं, इस बार ऑफसाइड पॉइंट के ऊपर से अंपायर का डिसीजन देखना होगा, 6 रन चौथा छक्का इफ्तिखार के नाम, ये स्पेशल इनिंग है इफ्तिखार की, और बहुत ही मजा आ रहा है उनको देख के, और वो पहुंच गए हैं उस स्कोर को जिसको हम सोचते थे कि 170 पिच पे होना चाहिए, 170-180, और अगर वो यहाँ पे मजीद अपने 2 बॉलों पे 2 छक्के लगा दें और 6 छक्के हमें देखने को मिले, तो मैं तो इसको बस देखना चाह रहा हूँ कि वो 2 छक्के भी लग गए, जहाँ पे 4 लग गए वहाँ पे 2 भी लग गए, वहाँ ब्याज का पसंद नहीं आएगा क्योंकि अच्छी बॉलिंग की थी इससे पहले, सारे इनके फिगर्स स्पॉइल हो गए, अरे बचना होगा इसके खास से, एक बार फिर पॉइंट के ऊपर से, जी हाँ एक बार फिर एक और छक्का इसके खास के नाम रहेगा, 5-5 I'm loving it. इफ्तिखार की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम, कि उन्होंने हम सबको एंटरटेन किया, जो लोग इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं वो भी इनकी एबिलिटी, हार्ड हिटिंग एबिलिटी को बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे होंगे, 5 consecutive छक्के इफ्तिखार के नाम, ऐसा कभी नहीं सोचा होगा वहाब ब्यास ने कि ऐसा ट्रीटमेंट मिलेगा फिर से, 3 मिनट पहले मैंने भी नहीं सोचा लेकिन इन 2-3 मिनटों में इफ्तिखार ने अपने आप को साबित किया कि वो पाकिस्तान के बेहतरीन मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, आखिरी बॉल क्या 6 छक्के लगा सकेंगे, मैं चाहता हूँ 6 छक्के लग गए I'm sorry वहाब, 88 रन पर इफ्तिखार आखिरी बॉल करेंगे वहाब, एक और